चुकी थी रूटीन चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि आज ही होने वाला है मेरा सी सेक्शन और बेबी आने वाला है बाहर। सब थोड़ा टेंशन में थे, तो काफ़ी लोग खुश थे और मैं यहाँ पे खुश होने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इसके बाद क्या क्या हुआ मेरे साथ तो मैंने आगे वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बताया है, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ पे मैं अगेन खुश होने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी सब फर्स्ट टाइम हो रहा था, जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और यहाँ अब एक एक करके बड़ी भाभी, यहाँ पे छोटी भाभी, बच्चे लोग सब एक एक करके यहाँ पे आ गए हैं और सब लोग एक्साइटेड हैं। मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं डरी हुई भी बहुत ज़्यादा थी कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, मुझे क्या होने वाला है। बट जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ भगवान जी की कृपा से। और अब आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आप उसे पूरा ज़रूर देखना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता पाठक और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना एक वीडियो शूट कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा अब मुझे एक छोटा सा वीडियो शूट करना ही पड़ेगा। और ज़्यादा देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सबके पास और मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करना। जैसे कि मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा मुझे ये भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अब हो चुके हैं 2 से 5 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले कि हुआ क्या था जो एकदम से डिलीवरी हो गई। तो मैं आपको बता दूँ कि वाटर लेवल का थोड़ा सा इशू हुआ था लास्ट में, और बीपी हाई हो चुका था कुछ 10 दिनों से मेरा। तो हम गए थे डॉक्टर के पास 17th को, और 17th को मैंने कराया था कलर डॉपलर। सोनोग्राफी होती है जो लास्ट के 9 मंथ में होती है, वो आप सभी को पता होगी जो भी प्रेग्नेंट होंगी उनको। और उसके बाद हमने वो कराया था, और 17th को वो सोनोग्राफी करवा के मैं अपने घर चली गई थी, और मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी क्योंकि मेरा रूटीन चेकअप था 22nd को। तो 17th को जब मेरा सोनोग्राफी हुआ, तो मुझे वहीं पे पता चल गया था कि वाटर लेवल पहले से कम हो गया है। और मैंने गलती ये की कि मैं डॉक्टर के पास सेम डे नहीं गई, और उसके बाद जब मैं 5 दिन के बाद गई, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी उनसे कि जब आपको बता दिया गया था कि आपका वाटर लेवल कम है, तो आप डायरेक्ट मेरे पास आते। बट मुझे लगा कि अगर आपको जो डेट मिली है रूटीन चेकअप की, तो आपको तभी जाना है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो मैं गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि अंकिता अभी हमें फिर से आपकी सोनोग्राफी करनी होगी। तो मैं थोड़ा डर गई। उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आपको बेबी मूवमेंट आ रहा है, मैं तो और ज़्यादा डर गई कि ये सारे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं मुझे अभी। तो उसके बाद में मैंने कहा हाँ मुझे मूवमेंट पता चल रहा है। उन्होंने मुझे कहा नहीं अभी आप आओ, हम आपको चेक करेंगे। तो उन्होंने मुझे हार्ट बीट चेक करके बताई, हार्ट बीट ठीक था, मतलब जैसा होता है वैसे ही था हार्ट बीट। फिर उन्होंने मुझे इंटरनली चेक किया, उन्होंने कहा कि ओके फाइन ठीक है, अभी आप जाइए और आप अभी का अभी वापस से सोनोग्राफी करवा के आइए। तो मैं अब आप ये सिचुएशन में समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डर लग जाता है। तो ये जो बातें थी, ये सब बातें थी 22nd की। 25th के लिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में बताऊँगी अपने। फिर मैं वापस से गई डॉक्टर सोनोग्राफी सेंटर में, मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया और मैंने वहाँ पे सोनोग्राफी करवाई। तो हार्ट बीट पे 11 और जो हमारा वाटर लेवल होता है वो हो चुका था 6.5। तो उस दिन जब हमने सेकंड को चेक किया, 22nd को, उस दिन हो गया था 8.8। तो डॉक्टर के पास हम फिर से आए और हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है कि अभी वाटर लेवल इतना दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है आप घर पर जाइए, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो हम एक हफ्ता निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे उस दिन कहा था। तो हम लोग एकदम हैप्पीली घर पे चले गए कि भाई सब ठीक है, अब चलो चलते हैं घर पे। हम घर पे आ गए। उसके बाद 22nd की ही रात को मुझे बॉडी में काफ़ी पेन हो रहा था, यानी कि बैक पेन हो रहा था, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा था मुझे। तो मुझे लगा मुझे ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तो पेन थोड़ा बढ़ती गया। तो मुझे याद आया कि मैं वॉक थोड़ा ज़्यादा कर चुकी थी, स्टेयर्स वगैरह ज़्यादा चढ़ लिया था, तो शायद ये उसी का प्रॉब्लम होगा। तो 23rd हो गया और 24th हो गया। 25th को अगेन मुझे डॉक्टर विजिट के पास जाना पड़ा, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था मेरा। तो हम उस दिन गए डॉक्टर के पास,
और फिर डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट्स वगैरह देखा, रूटीन चेकअप, अगेन वेट चेक आपका, सॉरी मुझे जो नीचे देखना पड़ रहा है क्योंकि बेबी मेरे पास है, वो भी थोड़ा सा रो रही थी और मुझे वीडियो शूट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा अब उसे गोदी में लेकर के शूट किया जाएगा और मैं बेबी का फेस आपके साथ बहुत जल्दी रिवील करूँगी, बट थोड़ी सी वो बड़ी हो जाए उसके बाद, और इस वजह से ना मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो जितना भी प्लीज़ मैं बना रही हूँ उसमें आप मुझे सपोर्ट करिए। उसके बाद अगेन मेरा रूटीन चेकअप हो गया और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा नहीं 140-100 बीपी इज नॉट सेफ फॉर यू एंड बेबी, तो मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि मैं और मम्मी रूटीन चेकअप कराने के हिसाब से ही गए थे वहाँ पे। तो उसके बाद जैसे ही हम अंदर पहुँच रहे उन्होंने मुझे बोला कि आज ही मुझे बेबी को निकालना पड़ेगा, और लिटरली ऐसी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा अगर आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए, मेरा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे डॉक्टर को देखते ही कुछ ना कुछ होने लग जाता है, यानी कि अगर हार्ट बीट नॉर्मल रहती तो हाई हो जाती, बीपी नॉर्मल होता है तो मेरा हाई हो जाता है, तो ये चीज़ें मेरे साथ है। तो प्लीज़ बी स्ट्रांग, जब भी ऐसा कुछ केस आता है ना तो अपने साथ किसी स्ट्रांग बंदे को लेके जाइए जो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं और बिल्कुल भी उसके अंदर हलचल नहीं हो। मेरे साथ मम्मी थी वहाँ पे, मैंने मम्मी को बोला अब क्या होगा, तो मम्मी ने मुझे कहा कि डोंट वरी, हम लोग देखते हैं क्या होता है क्या होता है। तो ये था 25 तक का, इवनिंग तक का सिनेरियो जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। आगे का सिनेरियो हम मिलेंगे अपने किसी नए वीडियो में जो मैं कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस, बेबी और हम दोनों बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं अभी, टच वुड। और अभी हम घर पे आ चुके हैं और मैंने बहुत मुश्किल से ये वीडियो शूट किया है आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी। अब 25 की नाइट में क्या हुआ वो मैं अगले वीडियो में पक्का बताऊँगी आपको, क्योंकि अब मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही हूँ, मैं अभी भी अपनी गोदी में बेबी को ले करके वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही है और सिर्फ वो रोई जा रही है और उसको मैंने चुप कराया हुआ है। तो थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए, आगे भी इसे कंटिन्यू रखिए, मुझे इसकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो थोड़ा सा देर हो जाएगा आने में, बट हैक्स मैं रोज़ डालने का ट्राई कर रही हूँ अभी भी और मैं डाल भी रही हूँ अभी भी। सो आगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे इसे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अब आप मुझे प्यार देने से ज़्यादा अब उसे प्यार दीजिए।